हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप लोग ये बताइए, आप लोग चाह रहे थे ना कि आप इस तरह का आईलाइनर, आप लोगों को मेरा आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ आज आईलाइनर ही शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से आईलाइनर लगाती हूँ। और मेरे लिप शेड भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने न्यूड शेड लगाया है वेट एंड वाइल्ड का, और मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी आपको। अगर आप इसको चाहते हैं, इसको लेना, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही प्रिटी शेड है और मैं न्यूड कलर्स ज़्यादा लगाती हूँ एक्चुअल में। वैसे घर में जब रहती हूँ और वहाँ जाती हूँ तब भी वीडियो के लिए लगाती हूँ जो थोड़े से ब्राइट कलर्स हों, तो तभी लगाती हूँ। और मेरा आईलाइनर आप देख सकते हो फ्रेंड कैसा लग रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप चाहें तो आप स्केच आईलाइनर से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्केच आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये, लेकिन मैंने इससे ही लगाया है, तो आप वैसे इससे लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है। और आप देख ही सकते हो, मैंने आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप विंग्स छोटा भी निकाल सकते हो, मुझे इतना ही विंग अच्छा लगता है, तो मैं विंग आईलाइनर ज़्यादा लगाती हूँ, तो मैंने इतना ही निकाला है, ये देखिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिटी लगता है मुझे विंग आईलाइनर, तो आप देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बिगनर्स नहीं जानते हैं कि किस तरह से आईलाइनर लगाना है। तो अगर आप इसका चाहते हैं, इसके चैनल लगाना चाहते हैं, बहुत ही सस्ता है ये, तो ये है डायनामिक है ये, और ये किसका है, ये आई थिंक मैंने इसको लिया था और ADS का, हाँ ये ADS का ही है, तो नहीं हिलेरी डोडा का है ये, सॉरी हिलेरी डोडा से है ये। तो अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं देखना, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने इसको लिया था तो इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, और ये बहुत सिंपल सा है, सस्ता है, बिगनर्स के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो शेयर भी कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, आप चेकआउट कर सकते हो, न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि गिव अवे तो खत्म हो गया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो कि अब एफर्ट नहीं डाल रहे हो, मतलब कि आप लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं इतना सब समझाती हूँ, अच्छे से बोलती हूँ कि आप लोग ये करिए वो करिए, अच्छे से हर चीज़, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस तरह की हर चीज़ मैं समझाती हूँ, फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्या वीडियो में क्या चीज़ पसंद नहीं आती है, कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों, और मैं रोज़ ही वीडियो अपलोड करती हूँ तो भी, और अदर जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो भी इतने अच्छे नहीं है, इतने हेल्पफुल नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ उनके सब्सक्राइबर इतने बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानती, बट चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आप देख लीजिए ये मैंने किस तरह से अप्लाई किया है, और हाँ, आप लोग को मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप ले सकते हो, तो चलिए देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आईलाइनर, बिगनर्स हैं आप लोग, तो आईलाइनर किस तरह से लगाना है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस यहाँ से आप एक ऐसे लीजिए आईलाइनर, और तुरंत से इस तरह से लगाइए, और आप अगर हाथ को बिल्कुल भी इस तरह से करेंगे ना तो नहीं लगा पाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरह से लीजिए और ऐसे कर दीजिए, बस लग गया, एक बार में ही आईलाइनर लग जाएगा। और अगर आप लोग ये वाला आईलाइनर नहीं यूज़ कर सकते हो, मतलब नहीं करना आता है, तो आप स्केच आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, बस लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर आपका हाथ हिल गया तो आपका इससे भी ऊपर नीचे हो ही जाएगा, बोलते हैं सभी लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं कि इससे अच्छा लग जाएगा, लेकिन बट अगर इससे भी हिला, ये पेन है तो पेन पे भी तो लगा हुआ है ही ना आईलाइनर, तो जब आप इससे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इससे भी आपका हिल ही जाएगा, और हाथ आपका जरा भी बैठा नहीं तो फिर जरूर हिलना ही है और ठीक नहीं लगेगा। तो चलिए लगाते हैं आईलाइनर, किस तरह से लगाती हूँ मैं देख लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को इसको शेक कर लेना है, कोई भी आईलाइनर आप यूज करें तो उसको पहले शेक कर लीजिए, उसके बाद आप उसको खोल के अच्छे से विंग बनाइए, और इस तरह से जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपको लगाना है, और आपका आईलाइनर ना एकदम से, देखिए हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो आपको इसी तरह से अप्लाई करना है, और ऐसे ही देखिए मैं लगा रही हूँ किस तरह से, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, देखिए मैंने विंग भी ड्रॉ कर दिया है हल्का सा, उसी के बाद आप फिर मोटा कर दीजिए उसको,
इस तरह से धीरे धीरे, तो आपका विंग आईलाइनर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ही आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा। तो डियर आप देख सकते हो मेरी आई कितनी कितनी पेटी लग रही है, और अब आईलाइनर मेरा सेम लगा हुआ है देखिए। तो इसी तरह से आपको लगा लेना है। और अब मैं ले रही हूँ मस्कारा, और ये है कलर वाल बार का मस्कारा। इससे मैं इस तरह से लगा लूंगी मस्कारे को, ऐसे ही करके आपको लगा लेना है। तो देख लिया है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है ये विंग आईलाइनर, किस तरह से लगाया हुआ है। और मैंने अपने हैंड पर भी देखा था लगा करके, ये वाला स्केच वाला, कि ये ना मेरा अच्छा नहीं आया था। लेकिन पता नहीं ये अच्छा नहीं आया कि ये अच्छा ही नहीं आता है, क्योंकि ये वाला ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने क्या किया, इसको खोल के इसको मैंने निकाला, ओपन कर दिया, और फिर इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया। उसके बाद मैंने फिर से इसको इसमें डाल के, और फिर इसको इस तरह से जैसे पेन रहता है ना, इस तरह से ऐसे करके, तब जाके ये इस तरह से कुछ हुआ है। लेकिन हाँ ये अच्छा है, मतलब वाटरप्रूफ ही कहेंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं निकलता है। तो ये बहुत ही है, देखिए बहुत ही अच्छा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए डार्क है एकदम, बन स्वाइप में भी बहुत ही अच्छा आता है, पिगमेंटेड है, अच्छा है, और इतनी जल्दी लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी जल्दी निकलता नहीं है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो ये मस्ट बाय है, आप ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है। तो आप परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं इसका, हाँ इसका कर दूंगी, और उसका वीडियो डाल दूंगी इससे जो उसमें मिल जाएगा आपको, जहाँ पर मैंने इसका वीडियो मैं डाला हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको इसका परचेस लिंक भी मैंने उसमें डाला था, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही आज का वीडियो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है ये बिजनेस वाला मेकअप लुक, मतलब और लुक भी मेकअप सिंपल ही है, मैंने कुछ भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, रोज़ वीडियो बनाने के समय मेकअप करती हूँ, उतना ही है। मैं कुछ नहीं इतना ज़्यादा ट्राई करती, बस सिर्फ आईलाइनर ही लगाती हूँ और अपना लिप शेड चेंज करती हूँ, और कुछ नहीं। मैं 2 से 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, और कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं डालती। और मैंने SQ का बैटरस काजल लगाया हुआ है आई में, और अच्छा है ये काजल, लॉन्ग लास्टिंग है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा आईलाइनर कैसा लग रहा है, और मैं आज कैसी लग रही हूँ ये बताइएगा। तो चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय 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 फ्रेंड्स, लव यू।